सबको एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। भारत माँ की शान है हिंदी, हम सबका अभिमान है हिंदी, बच्चों का पहला शब्द है हिंदी, माँ के प्रेम की छाया है हिंदी। हिंदुस्तान की आवाज हर दिल की धड़कन है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो धन्यवाद। जिससे जुड़े हैं मेरे अरमान, हिंदी एक भाषा नहीं, हिंदी एक भाषा नहीं, हिंदी है मेरी जान, हिंदी है मेरी जान। परम आदरणीय प्रधानाचार्य जी, अध्यापक और मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि आज हिंदी दिवस है, तो उसी उपलक्ष्य पर मैं आप सबके सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जो मुझे इस प्रकार है। सभी गौर से सुनिएगा कि जन जन की भाषा है हिंदी, जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, और जिसने इस देश को जोड़े रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी, वो मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी। जिसके बिना हम सब थम जाए, कि जिसके बिना हम सब थम जाए, ऐसी जीवन रेखा है हिंदी, ऐसी जीवन रेखा है हिंदी। जिसने लाल कुछ जीत लिया, कि जिसने लाल कुछ जीत लिया, ऐसी काल बदली है हिंदी, ऐसी काल बदली है हिंदी। हमारे जीवन की परिभाषा है हिंदी, हमारे जीवन की परिभाषा है हिंदी। अंग्रेजी में नंबर थोड़े से कम आते हैं कि अंग्रेजी में नंबर थोड़े से कम आते हैं, अंग्रेजी बोलने से हम घबराते हैं, फर्स्ट टाइम के लिए पूरी जान लगा देते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने में शर्माते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। एक वक्त था जब हमारे देश में हिंदी का बोलबाला था, माँ की आवाज से ही सुबह का उजाला था, माँ की आवाज से ही सुबह का उजाला था। उस माँ को अब हम मॉम बुलाते हैं, कि उस माँ को अब हम मॉम बुलाते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। देश आगे बढ़ गया, परंतु हिंदी पीछे रह गई। इस भाषा से अब हम क्यों नजरें चुराते हैं? क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। कि माना अंग्रेजी इस पूरी दुनिया को चलाती है, कि मान लिया अंग्रेजी इस पूरी दुनिया को चलाती है, पर हिंदी भी तो हमारी पहचान दुनिया भर में कराती है, चलिए आज अपनी मातृभाषा को एक बार फिर से सराहों पर बिठाते हैं, कि चलिए एक बार फिर से अपनी मातृभाषा को सराहों पर बिठाते हैं। आइए आज हम सब मिलकर हिंदी दिवस मनाते हैं। धन्यवाद। मेरे नाम तनिक्षा, मैं 9वीं कक्षा की छात्रा, आज आप सभी के सामने हिंदी पखवाड़ा के तहत एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है आज़ादी। आज तिरंगा फहराता है, आज तिरंगा फहराता है, अपनी पूरी शान से हमें मिली आज़ादी, वीर शहीदों के बलिदान से। आजादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी, लाखों लोगों ने प्राणों देकर कीमत चुकाई थी। व्यापारी बनकर आए और छल से हम पर राज किया, प्रहरी बनकर खड़ा हिमालय, जिसके उत्तर द्वार पर हिंद महासागर दक्षिण में इसके लिए विशेष है। लगे पूंजने दशों की छाएं, वीरों के यशगान से हमें मिली आजादी, वीर शहीदों के बलिदान से। उसकी आंचल की छाया से छोटा ये संसार है, हमें मिली आजादी, वीर शहीदों के बलिदान से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगले हमारे छात्र हैं, स्पर्श कर्ण 7th क्लास।
मन की अभिव्यक्ति की सबसे सरल भाषा है, जिसने हम सबके मन को जीत लिया। ऐसी मनमोहक भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं, पर एक बात समझ में आती है, हम यह दिवस मनाते हैं शायद आज के आधुनिक युग में हिंदी की भाषा है हिंदी, जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी।